हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान स्टूडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, आज हम एक बहुत ही बेहतरीन फल के बारे में जानते हैं जो कि है तरबूज। जी हाँ दोस्तों, तरबूज जो है उसे इंग्लिश में वाटरमेलन भी बोलते हैं। और ये जो फल होता है वह आपको गर्मियों में खाना बहुत ही लाभदायक होता है। यह फल जो होता है वह ग्रीष्म ऋतु का ही फल होता है। जी हाँ दोस्तों, गर्मियों में खाना इसे अच्छा माना जाता है क्योंकि यह आपके शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है और आपको डिहाइड्रेशन की समस्या से भी बचाता है। इसके अलावा दोस्तों, तरबूज जो होता है वह रक्तचाप को संतुलित करता है और भी कई सारी बीमारियों से आपको बचाता है। दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में यही बताने वाली हूँ कि यदि आप इसका सेवन करते हैं तो आपको कौन कौन से और लाभ होते हैं। जी हाँ दोस्तों, यदि खाने के तुरंत बाद आप तरबूज का रस पीते हैं तो इससे जो आपका खाना है वह जल्दी से पच जाता है। इसके अलावा नींद आने में भी आपको आसानी होती है और जो इसका रस होता है उससे लू लगने का अंदेशा भी कम हो जाता है। यदि आप मोटापा कम करना चाह रहे हैं तो फिर तरबूज आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। यदि आप तरबूज खाते हैं या फिर आप तरबूज का रस पीते हैं तो इससे जो आपका मोटापा है वह कंट्रोल हो जाएगा। इसके अलावा ऐसे लोग जो कि पीलिया के रोगी होते हैं तो उनका जो खून बगने की वो जो प्रोसेस होती है उसे तरबूज अच्छी तरह से पूरा करता है। और जो पीलिया के रोगी होते हैं उनके लिए तरबूज का सेवन बहुत ही अच्छा होता है। यदि तपती गर्मी में आपका सिर दर्द हो गया है तो फिर आप आधा ग्लास तरबूज के रस का सेवन कर लीजिए। इससे जो आपका सिर दर्द है वह तुरंत ठीक हो जाएगा। दोस्तों, यदि आप गर्मियों में इसका रस रोज पीते हैं तो इससे आपके जो शरीर है उसमें ठंडक बनी रहेगी और आपके चेहरे में हमेशा चमक भी बनी रहेगी। दोस्तों, तरबूज जो होता है उसके गूदे को ब्लैक हेड्स पर यदि आप लगाते हैं, यदि आपके चेहरे पर ब्लैक हेड्स हो गए हैं और आप अपने चेहरे पर इसे लगाते हैं तो इससे आपकी स्किन को बहुत अच्छा लाभ मिलता है। इससे आपके ब्लैक हेड्स दूर हो जाते हैं और आपके चेहरे की चमक भी बरकरार रहती है। तो दोस्तों, यह थे कुछ फायदे जो कि आपको तरबूज के सेवन से मिलते हैं। उम्मीद करती हूँ कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि यह जानकारी आपको पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि इसी तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास तक पहुँच सकें।